कोई माफी मांगने आ जाए तो देर न करना, फौरन माफ करना, और तुमसे खता हो जाए तो माफी मांगने में देर ना करना। कोई तुमसे ज्यादती हो जाए तो माफी मांगने में देर ना करना, और तुम पर ज्यादती करके कोई माफी मांगने आ जाए तो माफ करने में देर ना करना। अल्लाह की रहमत तुम ऐसे छांव में ले लेगी। दिल को साफ रखो, बेहिसाब जन्नत में जाओगे, बगैर हिसाब जन्नत में जाओगे। दिलों को साफ करना सीख, अपने दिल को झाड़ू से देखो ना, अगर हम अपने घर को साफ नहीं करेंगे तो कितना गंदा हो जाएगा, और साफ करेंगे तो चमकदार हो जाएगा। दिल तुम्हारा घर है, इसको अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया है, इसको साफ करो सुबह भी शाम भी। ये अल्लाह मैं किसी से नाराज नहीं। अगर तुम इस मजमे में ऐसे लोग बैठे हो जो किसी से तुम बोलते नहीं हो, भाई भाई है, दोस्त है, मियां है, बीवी है, चाचा है, भतीजा, आपस में अगर तुम कटे हुए हो, हाथ जोड़ दो, उठते ही सुलह कर लो। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, जब दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े और बात ना करें तो अल्लाह उनके सारे अमल मरदूद कर दे। तो कहते जब तक ये सुलह नहीं करेंगे इनका कोई अमल कबूल नहीं। तो अपने दिल पे पत्थर रखो, माफ करो, खुद जाके माफी मांगो, चाहे जितना इसमें तुम्हें जोर लगाना पड़े मांगो। अल्लाह की कसम मेरे नबी का फरमान है, माफ करने से इज्जत घटे तो मुझसे ले लो, माफ करने से इज्जत नहीं घटती। हाय हाय, एक बच्चे ने माफी मांगी और माँ उसको कह रही तो इतना बेगैरत हो गया है कि तूने माफी मांगी। अगर माँ कह रही तो इतना बेगैरत हो गया तूने माफी मांगी। माओ का ये सबक होगा तो औलाद क्या करेगी। आप सोए हुए हैं, सफर में हैं, मेरे नबी एक बद्दू आया, गौरस उसका नाम था, गौरफ, उसने आप ही की तलवार उठाई और आपके यूं पसली में मारी, आपकी आंख खुली तो तलवार लेके खड़ा, मनी अमनाओ कमिन्नी, अब बोल कौन बचाएगा, तैयार हो या। तो आप हंस पड़े, हमने कहा अल्लाह, वो अल्लाह कहना था कि तलवार उसके हाथ से गिर गई। तो आपने उठा ली, आपने ऐसे सीधी की, आपने कहा अब तुम्हें कौन बचाएगा, कहने लगा मुझे तो तू ही बचाएगा। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो, कहा नहीं पढ़ता, कहा जाओ माफ किया, जाओ माफ किया, ये मेरा नबी है, ये आपका नबी है। हम तो खाली किस कोई ओए कर दे तो हम उससे बातचीत छोड़ देते हैं।